powered by Birla Opus Paints. Make life beautiful. हेलो हाय नमस्कार मु पुणी आछि पहुँच गली आपणक पाखरे गोटिए नुआ फ्रेश एपिसोड सह यस आपणक फेवरेट शो जहार ना E3 फ्रेंड्स आपण माने तो समस्ते ढेर सारा भल पाई पा देछन्ते सेथि पई प्रथमे आपण मानंको धन्यवाद सबुथर फळी एथरे पई आम E3 रे रहिछि ओनली एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट आउ एंटरटेनमेंट ताहाले आउ जमारु डेरी करि पाले एबे स्टार्ट करिबा E3 फ्रेंड्स में E3 रो जर्नी आरंभ करिबा प्रमोशन रो सबु बेले आमे मूवी प्रमोशन रो आरंभ करिथाउ एबे आम पाखरे रहिछि सेमिति किछि शो रो प्रमोशन आसन तो देखिबा कोन सबु प्रमोशनल इवेंट चलिछि चलन तो एन्जॉय करिबा कौस्तुभ ड्रीम वर्क्स तरफ कटक बालियात्रारे रिलीज हेला घमाघोट फिल्म रो पोस्टर वर्तमान खूब चर्चंचल ओडिया सिने जगत विगत दिन में भल भल कहानी को नहीं अनेक फिल्म रिलीज होती जहाँ सिने प्रेमी मन को छुईवा सहित बक्स अफिस भल व्यवसाय करुच्ची धारा एवं फिल्म पर निच्छक कहानी और बास्तववादी विषयवस्तु ध्यान दि जाऊँगी आगको एमती कहानी ओडिया सिने प्रेमी देखा पाइबे घमाघोट जरिया कौस्तुभ ड्रीम वर्क्स स्टूडियो तरफ बालीजात्रा जहाँ पोस्टर कर रिलीज अनेक दिन चर्चा रही फिल्म घमाघोट में भरी रही धमाकेदार आक्शन सहित रोचक कहानी कटक विश्वप्रसिद्ध बालियात्रा रे यार प्रथम पोस्टर करा जैतला रिलीज फिल्म को निर्देशना देछंती लोकप्रिय निर्देशक राजा डी और प्रोजेक्शन भार संभाळिछंती कौशिक दास और राम पटनायक या सहित सह प्रोजेक्शन रे रहिछंती कौस्तुभ दास फिल्म रे रहिछंती अनेक स्टार कास्ट जांको आपण आगरो अनेक फल पाइबा दिसैछंती फिल्म रे सनोज कुमार अभिषेक पंडा संदीप मिश्र तपी मिश्र आकाश होता आकाश राउत शैलेंद्र सामंतराय कृष्णाकर राजेश साहू जुंटी एमोना प्रधान ओ विभास रहिछंती फिल्म फ्राइडे पर्दा को आसला नुआ ओडिया चलचित्र तू मो कमजोरी यह चलचित्री निरा प्रेम कहानी को नहीं गतिशील होता बेले लव रोमांस इमोशन सह रही सस्पेन्स कमजोरी बा दुर्बलता नायक नायिकार ना नायिका नायकर कहापाई कहार रही कमजोरी ता देखा पाई दर्शक श्रद्धा सबरी प्रोडक्शन निवेदित तथा सुप्रीम एंटरटेनमेंट सह प्रयोजना निर्मित यह चलचित्र सारा राज्य 28 हल्ले रिलीज होता बेले या दर्शकों मन को छुईब बोली आशा रखिंट प्रयोजना संस्था यह म्यूजिकाल लव स्टोरी में प्रमुख भूमिकार राकेश देव अनुभा और लिपिका नजर आसता बेले राकेश और अनुभा जोड़ी यह प्रथम चलचित्र देव को एक विशेष खल चरित्र देखा मिल मौलिक तथा बलिष्ठ कहानी को नहीं निर्मित यह चलचित्र प्रयोजना करिछंती भार्गवी त्रिपाठी टिकी पटनायक और लिंगराज पात्र निर्देशना देछंती संतोष बिश्वाल कहानी रचना करिछंती आशुतोष त्रिपाठी और सलाम देछंती डॉक्टर निर्मल नायक देखो फिल्म भितर ऑलरेडी फिल्म तो देखी सारे प्राय किसी लोक तो कमजोरी किए कह रहा डिस्क्राइब करी ना आउे जो दर्शक मैंने देखी ना टिकट सस्पेंस ट्विस्ट रहा देखो ये जमी मुझे कहली टी पूर्व डायरेक्टर भी कहते कि लव अच्छी रोमांस अच्छी एक्शन अच्छी ड्रामा अच्छी कमेडी अच्छी सब किसी भरपूर अच्छी तो समस्त लाइफ में किसी किसी कमजोरी थाए बट ये फिल्म में किए क्या कमजोरी सीटा आम फिल्म देखला आउे जाना बट ये कह समस्त लाइफ में किसी कमजोरी थाए क्या बुलाया भल लगे क्या खेलने भल लगे क्या म्यूजिक भल लगे तो सेमती किसी इतने गोटे बापा पुओ प्रति तार भल पाइबा तार कमजोरी गोटे माँ झील प्रति भल पाइबा गोटे फैमिली भितर गोटे भल पाइबा गोटे फ्रेंडशिप को लेकिन गोटे भल पाइबा तो ये सब जिन मैटर कै तो सब जिन नहीं फिल्म कमजोरी अच्छे आम कमजोरी हूँ आम दर्शक मैंने आहरी अधिक उत्साहित कर सेमती समस्त रिक्वेस्ट करी सिनेमा रिलीज हो सारी समस्ते आसतु सिनेमा टी देखु जमीक आप कहले मोर क्यारेक्टर रही गोटे मॉडर्न गर्ल रि बहुत भल डांसर जी हीरो सहित सब बेले अच्छी थ्रू हिज बैड फेस गुड फेस सब बेले सपोर्ट कर निस्वार्थपर भाव में जमीक आम टाइटल अच्छे तू मो कमजोरी किए कह कमजोरी से फाइनली ये रिवील हो तो समस्त को कह कष्ट करूँ आसतु सिनेमा हल सिनेमा देखु सो फ्रेंड्स एबे अंदाज लगातु कौन रही आपण यस ट्रेंडिंग वाला किसी चटपटा खबर माने द ट्रेंडिंग मिक्स्ड बैग लेट्स ओपन द बैग आगको आसवाक जाऊँगी फिल्म चॉइसेस जहाँ को नहीं बेस खुशी अच्छा यार कास्ट एंड क्रू निकट रही खुशी एक केक कटिंग करा जो नजर आसते बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा खान रिद्धिमा तिवारी जास्करन सिंह गांधी समस्ते एकाठी मिशी केक् काटि नजर आसते आगामी फिल्म चॉइसेस नहीं ये एक झलक
ଭୋଟ ଦେବା ଅବସରରେ ନଜର ଆସିଲେ 24 ବର୍ଷୀୟ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅନନ୍ୟା ପାଣ୍ଡେ। ନିକଟରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ବାଚନ ସରିଥିବା ବେଳେ ଅନନ୍ୟ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏକ ଧଳା ରଙ୍ଗର କାର୍ରେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ସାଲୱାରରେ ସେ ନଜର ଆସିଥିଲେ, ଯାହାକି କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଛି। ନିକଟରେ ମୁମ୍ବାଇ ଡିଏମ୍ଏଫ୍ ଅନ୍ଧେରୀଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏକ ନିଆରା ଦୃଶ୍ୟ। ଏକାଠି ନଜର ଆସିଥିଲେ ବଲିଉଡ୍ର ଦୁଇ ନାମୀ ଦାମୀ ସିଙ୍ଗର। କିଛିଦିନ ଧରି ବଲିଉଡ୍ ବା ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିଥିବା ହନି ସିଂ ଓ ଜୁବିନ୍ ନୌଟିଆଲ୍ଙ୍କୁ ଏକାଠି ସ୍ପଟ୍ କରିଥିଲେ ପାପାରାଜି। ଉଭୟ ଏକ ପାର୍ଟି ସାରି ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ନଜର ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଫଟୋ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଖି ପୋଜ୍ ଦେବାକୁ ଭୁଲିନଥିଲେ। ନିକଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ନେକ୍ସଟ ଫ୍ରାନ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ 2030 ଲିଡରସିପ୍, ଯେଉଁଥିରେ ବଲିଉଡ୍ର ଅନେକ ନାମୀଦାମୀ କଳାକାରଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବଲିଉଡ୍ର ବରିଷ୍ଠ ଅଭିନେତା ଅନୁପମ ଖେର, ନୱାଜୁଦ୍ଦିନ୍ ସିଦ୍ଦିକୀଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ଷ୍ଟାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ଉର୍ବଶୀ ରାଉତେଲାଙ୍କ ପରି ଗ୍ଲାମରଙ୍କୁ ରେଡ୍ କାର୍ପେଟ୍ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସରିଛି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ବାଚନ, ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ବଲିଉଡ୍ ଷ୍ଟାର୍ ଭୋଟ ଦେଇ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ବଲିଉଡ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର୍ ସଲମାନ ଖାନ୍ ମଧ୍ୟ ମୁମ୍ବାଇରେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସଲମାନ ଏକ ଧୂସର ରଙ୍ଗର ଟି ସାର୍ଟ, କଳା କ୍ୟାପ୍ ଏବଂ କଳା ଚଷମା ପିନ୍ଧି ସିକନ୍ଦର ଲୁକ୍ରେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଫ୍ୟାମିଲି ସହ ଏକାଠି ନଜର ଆସିଲେ କିଙ୍ଗ ଖାନ୍। ଶାହରୁଖ ନିଜ ପତ୍ନୀ ଗୌରୀ, ପୁଅ ଆର୍ୟନ, ଝିଅ ସୁହାନାଙ୍କ ସହ ଏକାଠି ଦେଖାଯାଇଥିଲେ। ଏଥର କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପାର୍ଟି କିମ୍ବା ଫଙ୍କସନ୍ରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ନିକଟରେ ପାପାରାଜି ତାକୁ ସ୍ପଟ୍ କରିଥିଲେ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ବାଚନ ନିକଟରେ ସରିଥିବା ବେଳେ ନିଜର ପୁରା ଫ୍ୟାମିଲି ସହ ଆସି ଶାହରୁଖ ଭୋଟ ଦେଇ ଫେରୁଥିବା ସମୟର ଭିଡ଼ିଓ ନଜରକୁ ଆସିଛି। ଭୋଟ ଦେଲେ ଶକ୍ତି କପୁର, ବଲିଉଡ୍ ଷ୍ଟାର୍ ଶକ୍ତି କପୁର ଏକ ଭିନ୍ନ ଲୁକ୍ରେ ନଜର ଆସିଲେ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ସେ ଭୋଟ ଦେଇ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ତାଙ୍କୁ ଘେରି ଯାଇଥିଲେ। ସେ ମୁମ୍ବାଇରେ ନଥିଲେ, ଭୋଟ ଥିବା ହେତୁ ସେ ଆସି ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୋଟ ଦେବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶକ୍ତି କପୁର। ନିଜର 37ତମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳିଲେ ବଲିଉଡ୍ ଆକ୍ଟର ତାହା ଶାହ ବାଦୁଶା। ଏହା କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସାଙ୍ଗସାଥୀ କି ଫ୍ୟାମିଲି ସହ ନଥିଲା, ବରଂ ସେ ମିଡିଆ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ନିଜର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସେ ବେଶ୍ ଖୁସି ଥିବାର ଜଣାପଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ମିଡିଆ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ଢେର ସାରା ଫଟୋ ଉଠାଇଥିଲେ, ଆଉ ଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଉପହାର ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛାଇ ନଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଫିଲ୍ମ ଆଉ ନନ୍ ଫିଲ୍ମ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ବହୁତ ହେଉଛି। ସେ ସବୁର ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆମର ଏହି ପ୍ରୟାସ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି ଏଥର ଇଭେଣ୍ଟ ସେଗମେଣ୍ଟରେ। ସରିଛି କଟକର ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା। ନଭେମ୍ବର 15 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 23 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏଥର କିନ୍ତୁ ସବୁ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ବେଶ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଥିଲା ବାଲିଯାତ୍ରା। ଏଥର ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ସୋନୁ ନିଗମଙ୍କ ଧମାକା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପୁଚୁକି ଗାଲି ଗୀତରେ ଝୁମିଥିଲେ ଦର୍ଶକ। ବାଲିଯାତ୍ରାର ପଞ୍ଚମ ସନ୍ଧ୍ୟାର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିଥିଲେ ବିଶିଷ୍ଟ ବଲିଉଡ୍ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସୋନୁ ନିଗମ। ଲକ୍ଷାଧିକ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସମାଗମରେ ଉଛୁଳିଥିଲା ଉଭୟ ଉପର ଓ ତଳପଡ଼ିଆ। ପାଖାପାଖି 2.5 ଘଣ୍ଟା ଧରି ସୋନୁ ନିଗମଙ୍କ ନନ୍ଷ୍ଟପ୍ ଗୀତରେ ମତୱାଲା ହୋଇଥିଲେ ଦର୍ଶକ। ହିନ୍ଦୀ ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ଭଜନ ଓ ଆଧୁନିକ ଗାଇଥିଲେ ସୋନୁ। ସୋନୁ ନିଜେ ପୂର୍ବରୁ କଣ୍ଠଦାନ କରିଥିବା ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭଜନ ତୋ ଆଗରେ କିଛି ଧୂପ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ମଞ୍ଚରେ ଜୋତା ଓହ୍ଲାଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନମନ କରିଥିଲେ। ଏଥିପରେ ପୁଚୁକି ଗାଲି, ଫେସନ ବାଲି ଏବଂ ସୁନେଲି ସୁନେଲି ଖରା ଆଦି ହିଟ୍ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ, ଯାହା ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରେମୀ ଓ ବିଶେଷ ଭାବେ ସୋନୁଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ମତୁଆଲା କରିଥିଲା। ବାଲିଯାତ୍ରା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବଲିଉଡ୍ର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ସୁରେଶ ୱାଡକରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ମା ତୁମେ ମମତାର ସୀମାହୀନ ସାଗର ଗୀତ ସାଙ୍ଗକୁ ସିନ୍ଦୁର ମଥାରେ ତୋର ଗୀତରେ ଝୁମିଥିଲେ ଦର୍ଶକ। ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ବାଲିଯାତ୍ରା ଭଳି ଏକ ଭବ୍ୟ ଆୟୋଜନ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖିଲି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ରଖି ଆସିଛି, ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେମିତି ଆଗକୁ ଏମିତି ଭଲ ଗୀତ ଗାଇ ଚାଲିବି। ଏହାସହ ଆଗାମୀ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ସେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ମା ତାର ସୀମାହୀନ ସାଗର।
राजधानी दिल्ली में ओडिशार अतुलनीय कला संस्कृति ऐतिह्यर जयगान सामाजिक और सांस्कृतिक अनुष्ठान ओडिया समाज पक्षर् आयोजित होता तीन दिनिया ओडिशा पर्व नवेम्बर 22 तारीख में दिल्लीर जवाहरलाल नेहरू स्टाडियम उद्घाटित होनिदिनिया ओडिशा पर्व उद्घाटनी कार्यक्रम में ओडिशा पर्व मंच में उपस्थित होते तीन जन केन्द्रमंत्री केन्द्र शिक्षा दक्षता विकास उद्यमिता मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान केन्द्र आईन मंत्री किरण रिजिजू और केन्द्र संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी कार्यक्रम में सामिल हो ओडिशा पर्व आयोजन को प्रशंसा करते तीन केन्द्रमंत्री ओडिशा पर्व में पहाड़ रसगोला संतोष चाट बारिपदा मुढ़ी मंसर स्वाद चखिते यासहत मयूरभंज सवाई घास कम कंटेनर हाथ तैयारी काम देखिथिले ओडिशार पटचित्र बुले देखिथिले नुआ दिल्ली रे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम रे अनुसूत होइतिबा ए त्रिदिवसीय उत्सव रे ओडिशार कला संस्कृति गौरवमय ऐतिह्य उज्जवल परंपरा को दिल्ली दरबार उपस्थापन करा जायछि। ओडिशा पर्व मंच रे समग्र राज्यर पारंपरिक लोककला लोकनृत्य परिवेषण सह पारंपरिक खाद्य प्रदर्शित होइतिला जहां ओडियांक समेत दिल्लीवासींक पई आकर्षणर केन्द्रबिंदु पलटिथिला। ओडिशा पर्वर द्वितीय दिन रे दिल्ली दरबार रे ओडियांक समागम देखिबाकु मिलिथिला। संध्यारे जमिथिला नाच गीत संघकु खाद्यर पसरा। दिल्ली रे 3 दिन धरि चालिथिला ओडिशा पर्व। एकाठी होइथिले ओडिशार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ओडिशाकु नै बांटिले निजर अनुभूति। ए अवसररे गोटिए मंचरे एकाठी होइथिले ओडिशार समस्त सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर स्टैंड अप कमेडियन रिल स्टार स्टोरी टेलर कंटेंट क्रिएटर मैंने गोटिए प्लाटफर्म रे एकाठी होइ ओडिशार पुरातन कला संस्कृति परंपरा को किपरि आहुरी उच्चकु नै हेबो सिनि आलोचना करथिले। आम अर्गस टीम तरफ उदित जी को जन्मदिन अनेक अनेक शुभेच्छा। फ्रेंड्स आपण मानक भी बहुत बहुत धन्यवाद जनइबे कारण सबुले आम सहित रही थे केवल आपण मानी हेल्ले एथर तो समय हो जाए आजपाई रोचे पुणी देखा नेक्स्ट एपिसोड्रे टाइम से पर्यटन मत विदाय दिंतु नमस्कार। Powered by Birla Opus Paints. Make life beautiful. जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।